हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपशिका टेक्निकल क्लासेस। पिछली वेस्ट वाटर और इरिगेशन की ड्राइंग की क्लास में हमने आपको रेक्टेंगुलर ड्रेन और सेमी सर्कुलर ड्रेन के बारे में पढ़ाया था, तो अब हम इस क्लास में जानते हैं बाकी दोनों ड्रेन्स के बारे में जो मैंने आपको बोला था, यू शेप ड्रेन एंड वी शेप ड्रेन। यू शेप ड्रेन एंड वी शेप ड्रेन। तो सबसे पहले जानते हैं यू शेप ड्रेन क्या होता है। तो यू शेप ड्रेन जो होता है हमारा, वो कॉम्बिनेशन होता है रेक्टेंगुलर ड्रेन का और सेमी सर्कुलर ड्रेन का। रेक्टेंगुलर ड्रेन और सेमी सर्कुलर ड्रेन का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि हमारे बिल्डिंग की कॉर्नर वॉल है और ये जो ऊपर का पोर्शन है वो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा होगा और नीचे का पोर्शन हमें सेमी सर्कुलर शेप में दिख रहा होगा। तो ऐसा कोई जगह जहाँ पे रेक्टेंगुलर और सेमी सर्कुलर दोनों तरह के डिस्चार्ज की हमें आवश्यकता होती है या नीड होती है, उस जगह पे हम इसका यूज करते हैं। इसे भी बनाना बहुत आसान है। नीचे का जो हमने बेस, इसका जो फाउंडेशन का बेस कंक्रीट लिया है वो हमने यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लिया है और ये जो हमारी वॉल है वो 10-10 है और जो बीच का ये डिस्टेंस है वो 30 है। तो 10, 30, 10, 50 हो गए। तो यहाँ मैंने नीचे बेस विड्थ 50 सेंटीमीटर रखी है। उसके बाद 10 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे एक ब्लॉक मतलब कंक्रीटिंग करेंगे। उसके बाद एक सेमी सर्कुलर शेप यहाँ पे देंगे, सेमी सर्कल। तो इसका जो रेडियस है वो हमने कितना लिया, 15, क्योंकि ये जो डायमीटर है इसका वो 30 सेंटीमीटर है। जैसे हमने यहाँ जगह देखा है 30 सेंटीमीटर का, तो हमने क्या किया, 15 का रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रा कर दिया और ये जो, और उसके बाद एक वॉल चला दी, तो ये एक यू शेप फॉर्म कर लिया। और ये जो वॉल की हाइट है वो 20 सेंटीमीटर ली और ये जो कंक्रीट ब्लॉक है जो हमने फाउंडेशन यूज किया है, ये जो डिस्टेंस थी वो हमने 10 रखा और ये ऑलरेडी 15 हमें पता था क्योंकि हमने ये 30 बोला भी डायमीटर है, तो ये 15 कर दिया। तो ये 15, 10 और ये 20, तो उसकी जो टोटल हाइट हो गई वो हो गई 45 सेंटीमीटर और इधर से 50 सेंटीमीटर। और ये जो हमने कंक्रीटिंग का काम किया वो किया है 1:4:8, ये जो CSG का रेशियो था, सीमेंट 1 और सैंड 4 और ग्रेवल 8, तो ये CSG का रेशियो हो जाता है। बाकी इस ड्राइंग में कुछ भी ऐसा नहीं है, ये हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क यूज किया है, ये हमने सीमेंट कंक्रीट यूज किया अच्छे से, तो ये यू शेप ड्रेन तैयार हो जाता है। अब चलते हैं वी शेप ड्रेन बनाने के लिए। जो हमने सेमी सर्कुलर ड्रेन पढ़ाया था ये बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको वो बनाना सिखाया था। सबसे पहले एक बेस विड्थ ड्रॉ कर लेंगे 40 सेंटीमीटर, पहले सेंटर लाइन से 40 सेंटीमीटर, 20 इधर और 20 इधर, फिर उसका हम फिर 5 सेंटीमीटर उसी लाइन में जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे देखा 20 सेंटीमीटर का विड्थ है, तो 20 सेंटीमीटर है तो 10 इधर लेंगे और 10 इधर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, हमने 5 सेंटीमीटर हमने फिर से छोड़ना है, हम 5 सेंटीमीटर छोड़ दिए। उसके बाद हमें 10 सेंटीमीटर का डाया लेना है, सॉरी 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेने के बाद हम यहाँ पे एक आर्क बना लेंगे। 10 सेंटीमीटर का रेडियस, एक हमें पॉइंट मिल जाएगा, वहां से हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, 21 सेंटीमीटर हाइट तक जाएंगे। उस पॉइंट से हम 21 सेंटीमीटर हाइट तक जाएंगे और दोनों तरफ हम ये जो उसकी टॉप विड्थ है हमारी फाउंडेशन की, जो हमारी वी शेप ड्रेन की जो हमारी टॉप विड्थ है वो हमें दिया 58 सेंटीमीटर। 58 सेंटीमीटर दिया तो 29 सेंटीमीटर इधर और 29 सेंटीमीटर इधर पे हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, पॉइंट कट कर लेंगे और उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये डॉटेड लाइन दोनों तरफ जैसे मैंने आपको सेमी सर्कुलर में समझाया था वैसे ही। मैं इसको इरेज करके बता देती हूँ, तो नीचे का जो बेस विड्थ है वो 20 इधर और 20 इधर, फिर जो फिर 20 सेंटीमीटर है वो 10 इधर और 10 इधर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस छोड़ेंगे
उसके बाद फिर 10 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, एक आर्क कट करेंगे या एक आर्क बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 21 सेंटीमीटर की हाइट पर जाएंगे और फिर क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे 29 सेंटीमीटर इधर और 29 सेंटीमीटर इधर। 58 सेंटीमीटर हमें इसकी टॉप विड्थ दी हुई है, तो हमें यहां से जब 29 सेंटीमीटर का पॉइंट मिल जाएगा तो इसी पॉइंट के सीधाई में हम क्या करेंगे, 1 in 10 का एक ग्रेडियंट ले लेंगे ढाल, यानी 1 in 10 यानी कि 10 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। तो ये जो हमारी ढाल होगी इसको हम क्या करेंगे, इस लाइन से क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे दोनों तरफ। और यहां से क्या करेंगे, एक एक डॉटेड लाइन प्रोवाइड कर देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर नीचे आएंगे, ठीक, उसके बाद फिर 10 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल जाएंगे और फिर 3 सेंटीमीटर फिर वर्टिकल में ही आएंगे यहाँ पे, यहाँ बस यही एक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम ये 3 सेंटीमीटर फिर वर्टिकल आते हैं, बस इसमें यही थोड़ा सा चेंजेस है। जब 3 सेंटीमीटर हम वर्टिकल में फिर से आ जाते हैं तो हमें नीचे वाले पॉइंट के लिए पॉइंट मिल जाता है। फिर हम यहाँ 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल आएंगे तो इसको इससे मिला लेंगे, ठीक। अब हमने पता है कि जो बीच का डिस्टेंस दिया वो हमें 32 सेंटीमीटर दिया है, हमें क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि ये जो बीच का डिस्टेंस है वो 32 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन हमने पहले ड्रॉ ही की हुई थी, अब हम क्या करेंगे, 32 सेंटीमीटर यानी कि 16 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर इधर, तो जहां कहीं भी ये कट करे 16 सेंटीमीटर, सपोज यहाँ कट करता है, तो वहां से हम क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा ये क्या हो गया, वी शेप ड्रेन बनकर तैयार हो गया, ये हमारा वी शेप ड्रेन बनकर तैयार हो गया। तो सिमिलरली ऐसे ही आपको बनाना है और बाकी जो कंक्रीटिंग का सिंबल है इसमें प्रोवाइड कर देना है। और बाकी हमने बताया है कि ये जो हमने कंक्रीटिंग यूज की है वो 136 की यूज की है, सॉरी ये वाली जो यूज की है वो 136 की यूज की, और ये वाली जो यूज की है वो 1612 की यूज की है। तो ये हमारा वी शेप ड्रेन तैयार हो जाता है, बिल्कुल सेमी सर्कुलर ड्रेन की तरह ही है। तो इसे बनाना काफी आसान है, इसे पेग टॉप ड्रेन भी कहा जाता है, तो आप इसके नाम में कंफ्यूज नहीं होगा, पेग टॉप ड्रेन भी कहा जाता है। तो अगर कभी पेग टॉप ड्रेन नाम से भी आए तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज होता है वो वी शेप ड्रेन में होता है, क्योंकि ये हर तरह के डिस्चार्ज के लिए यूज होता है और इसे बनाना काफी मुश्किल होता है और ये बहुत कॉस्टली भी मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।